नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग हैं और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर उदित राज, बहुजन मूवमेंट की मुखर आवाज रहे हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं और हमेशा कोई भी देश का आंदोलन रहा है, खासतौर से मज़दूरों का, गरीबों का, शोषितों का, सर्वहारा समाज का, तो उदित राज साहब उसमें हमेशा आते रहे, आज उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सरकार ने जिस प्रकार यहाँ पर एक डिवाइडर लगा दिया, पक्का सीमेंटेड, कैसे देखते हो? सरकार को चीन से लड़ना चाहिए और लड़ रही है अपने देश के लोगों से। जी, इस तरह का दीवार चीन और भारत के सीमा पर होना चाहिए, नहीं थी। जब भी तो अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर अंदर घुस करके गांव बसा दिया, प्यांगोंग से लेक के ऊपर जो हेलीपैड था हेलीकॉप्टर का उसको कब्जा कर लिया और चुशुल बैली का कब्जा किया, गलवान घाटी में बहुत सारे एरिया को उसने कब्जा कर लिया है। तो ये वहाँ लगाना चाहिए था, इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ लगाना ये तो कोई दुनिया की सरकार ने न किया होगा। सर, सरकार को किसानों से नफरत क्यों है? रोड स्पाइक और तार, सीमेंट की वाल, बैरिकेड, 4 लेयर की दीवारें खड़ी की गई, ऐसा तो दुश्मन के साथ ही किया जा सकता है। और सरकार ने बजट में इनको और सत्यानाश कर दिया, बजट में इनको जो भी है ख़त्म कर दिया, कि MSP में भी जो 2000 करोड़ का बजट था वो 1500 कर दिया, और पिछले वर्ष इंफ्राग्री के नाम पर 1 लाख करोड़ रखा गया था और खर्च हुआ 200 करोड़, और बजट भी 5-6% किसी का पिछले वर्ष की तुलना में कम कर दिया गया। यानी अब ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी ने निर्देश किया है मोदी जी को कि इनको ख़त्म करो, इनको गरीब बनाओ, बेघर बनाओ, तो वही है। अब दूसरा है कि ये जो बजट है वो भारत सरकार की संपत्ति बेचने का बजट है। जी। रेल है, एयरपोर्ट है, सिविल बंदरगाह, बिजली, सड़क, बैंक, उसको बेचने का ये बजट है, जनता का बजट नहीं है। ये फिर बिकेगा जब, तो अंबानी अडानी जैसे 4-6-10 पूंजीपति खड़ा होंगे, देश की जनता गरीब होगी, उनके पैसे से चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में इनकी ये कायम रहेंगे, ऐसा कहते सोचते हैं, बाकी देश की गरीब जनता को मारेंगे। अभी जिस प्रकार से ये डिवाइडर लगा दिए गए हैं, जैसा आपने देखा उसको और आपने बताया अभी, मतलब कब तक की सरकार की क्या नीति है इसको लगा करके, मतलब कब तक परमानेंट जान सकती है, कब तक मतलब परमानेंट नहीं, परमानेंट लड़ाई का मूड ये सरकार जानती है, लेकिन किसानों ने ठाना है कि हम 2024 तक बैठने को तैयार है, तो हम लोगों ने भी, हमारी पार्टी ने भी तय किया है कि 2024 तक हम इनका समर्थन जारी रखेंगे। आंदोलन का क्या रूप है? आंदोलन का रूप तो बढ़ता चला ही जा रहा है, स्वरूप बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा अवरोध पैदा करने के बाद में संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी पता लगा 300 लोगों का नाम है बोलने में, सबको बुलवा भी नहीं पा रहे हैं, तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं। राकेश टिकैत जी की भावुक अपील के बाद आंदोलन को गति मिली? हाँ, मीडिया ने सोचा कि रोती हुई या भावुक का चेहरा दिखाएंगे, तो टिकरी और सिंघू जो टूटने वाले नहीं थे वहाँ भी भगदड़ मचेगी, यहाँ से भी लोग जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात है, 2-4 मिनट के अंदर ही सिनारियों पूरा बदल गया, लोगों ने देखा कि इनकी जो आंसू हैं और भावुकता है किसान के पक्ष में है, जो बीजेपी के गुंडे आए थे, पुलिस हटाए अलग बात है, बीजेपी के गुंडे हटाते हैं, जेएनयू में भी यही किया था, और खुद करते हैं अपराध और दूसरे को कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। उदित राज साहब, एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से 2 विधायकों के नाम आए, बीजेपी के 2 विधायक नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? होती ही नहीं कार्रवाई। अर्नब गोस्वामी को तो जेल में होना चाहिए था, तो जेल में वो लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे मनदीप पुनिया को जेल में भेजा, सुना अजीत अंजुम को भी गिरफ्तार किया गया है, तो जो अपराधी हैं वो संत बन गए हैं, जो संत हैं वो अपराधी।
संत हैं जो अपराधी बन गए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर उदित राज साहब, जिन्होंने बताया कि आंदोलन को किस प्रकार से और कैसे जो है वो आगे चलाना और क्या इस आंदोलन की भूमिका आगे हो सकती है। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर कैमरामैन, सीएल बॉर्डर।